आज 29 जुलाई की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हो चुका है 29 जुलाई, तो आज बिहार की टॉप 10 खबर लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपको हम अभी बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को एक मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपके समय की बचत होती है। इसी खबर को अगर आप फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 4-5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे आपके समय की बर्बादी होती है। तो ऐसे में अगर आप उसी खबर को केडीबी लाइव ऐप में देखते हैं तो एक मिनट से कम समय में दिया जाएगा। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर आंकड़ों के साथ बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि हर जिले से आ रही चीख और गोलियों की आवाज, यह बिहार में डबल इंजन एनडीए का महाचौपट्रा। उन्होंने आगे लिखा है कि बिहार में चहुं ओर से आ रही चीखें, गोलियों की आवाजें, लहू से लथपथ सड़कें और गलियां, और फिर खून से सने अखबार दर्शा रहे हैं कि बिहार में महाजंगल राज। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि एनडीए के लिए मंगल राज की यही वास्तविक परिभाषा है। तेजस्वी यादव ने जिले और घटना का जिक्र करते हुए अपराध पर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि मधुबनी में युवक की गोली मार करके जान ले ली गई, बेगूसराय में महिला की जान ले ली गई, जब पटना में छात्र की जान ले ली गई, सीवान में एक शख्स की धारदार हथियार से जान ले ली गई, बेगूसराय में एक लड़की की जान ले ली गई पीट पीट करके। वहीं पर तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि सासाराम में युवक की जान ले ली गई, आरा में युवक की जान ली गई, पटना में मार्केट में 15 से 20 बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, कावर लेकर के देवघर जा रहे युवक की बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र में लूटपाट की कोशिश में चाकू मार करके उसकी भी जान ले ली गई, मोतिहारी में बदमाशों ने 2 लोगों की जान ली, पूर्णिया में ज्वेलरी शॉप में 20 मिनट में 20 करोड़ रुपए की लूटपाट। दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से अच्छी खबर सामने आ रही है। पूर्वानुमान के अनुसार कल से पटना समेत दक्षिण बिहार में बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिले में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि पिछले 15 दिनों से बिहार के लोग गर्मी से परेशान हैं। लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए बारिश की राह देख रहे हैं कि कब बारिश होगी। वहीं पर मौसम विभाग के मुताबिक 30 जुलाई को पटना, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में बारिश होगी। इन जिलों में 1 अगस्त से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 1 अगस्त को भागलपुर, बांका, खगड़िया, मुंगेर और जमुई में अनेक स्थानों पर बारिश होगी। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार 2 अगस्त को भी उत्तर पूर्व बिहार में बारिश की संभावना है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया जिले के कई स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हमेशा की तरह ही लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। बिहार के पूर्णिया जिले में 26 जुलाई को दिन दहाड़े हुई लूटपाट पर बिहार पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, काम कर रही है, जब बेखौफ अपराधियों की गिरफ्तारियों के लिए कई विशेष टीम बनाई गई है। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस की स्पेशल टीम मामले की जांच करते हुए पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि बंगाल के रास्ते अपराधी नेपाल भाग गए होंगे, जब 5 लोगों को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधी गिरफ्तार होंगे, उनके भागने के रास्ते की पहचान हो चुकी है। जब पुलिस अधिकारी की माने तो पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में हुए जेवर लूटकांड में अभी तक 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। लूटकांड के जल्द से जल्द उद्भेदन और फिर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए गठित टीमें पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर रही है, जब बंगाल पुलिस का उन्हें सहयोग मिल रहा है। जब पुलिस का दावा है कि अपराधियों की एंट्री और फिर एग्जिट पॉइंट पर पता चल गया है। विभिन्न जगहों पर सीसीटीवी कैमरे को बिहार पुलिस की स्पेशल टीम खंगाल रही है। दोस्तों, बिहार में 1 अगस्त से दूसरे चरण का जमीन सर्वे शुरू होना है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन का कागजात नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस जमीन का कागजात नहीं है उसका सर्वे कैसे किया जाएगा। दरअसल बिहार में कुछ लोगों के पास जमीन का कागज नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के रिकॉर्ड में उस जमीन का कागज मौजूद है। ऐसे में अगर आपके पास जमीन का कागज नहीं है तो कोई बात नहीं, बिहार सरकार के पास आपकी जमीन का कागज है। सरकार की कर्मी सर्वे के दौरान ग्राम सभा में वंशावली को सत्यापित करेगी और फिर उस जमीन नया कागज तैयार करेगी। आपको बता दें कि अगर आपके पास जमीन, खेत या फिर घर का कागज मौजूद नहीं है तो आप ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि बिहार सरकार के रिकॉर्ड में आपके जमीन के कागज मौजूद है। इसके लिए आप बिहार भूमि की वेबसाइट पर विजिट करके जमीन के कागज निकाल सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर कैसे जमीन का कागज निकाल सकते हैं, तो आपको बता दूं कि आप bihar.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं, अपना खाता देखें, ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद अंचल मौजा को सेलेक्ट करें, इसके बाद जमीन रैयत के नाम से जमीन का कागज मिल जाएंगे।
दोस्तों बिहार में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल नियोजित शिक्षकों को जिस दस्तावेज के आधार पर राज्य कर्मी का दर्जा मिलना है वह ऑफिस के शौचालय में पड़ी रद्दी और फिर कूड़े से बरामद किया गया है। वहीं पर शुक्रवार को खोजबीन के बाद 630 से अधिक नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र मिला है। जहां शिक्षा विभाग की इस लापरवाही से इलाके के सभी शिक्षकों में गुस्सा है। आपको बता दूं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की किस्मत जिस दस्तावेज के माध्यम से खुलने वाली थी और राज्य कर्मी का दर्जा मिलना था वही दस्तावेज शिक्षा विभाग के शौचालय और फिर कूड़ेदान के अंदर मिला है। और ये घटना बिहार के किशनगंज जिला में हुआ है। जब विभाग को खबर मिली कि 700 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट गायब हैं तो फिर सर्चिंग शुरू हुई। जब विभागीय खोजबीन शौचालय तक पहुंची तो फिर सबके होश फाख्ता हो गए। 130 दस्तावेज शौचालय के कूड़ेदान में मिले जबकि अभी भी लगभग 70 नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र कार्यालय से गायब है। आपको बता दूं कि 1 अगस्त से राज्य कर्मी का दर्जा मिलने की काउंसलिंग शुरू हो रही है। उससे पहले किशनगंज के शिक्षा विभाग में के कार्यालय में ये घटना घटी है। दोस्तों बिहार की बिजली सप्लाई कंपनी NBPDCL और SBPDCL ने बिहार के सभी जिलों में लोगों को स्मार्ट मीटर से सेवा दे रही है। यह स्मार्ट मीटर अब आपके लिए कमाई का जरिया बन सकता है। 3 महीने तक लगातार 2000 से अधिक बैलेंस रखने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज मिलना शुरू हो गया है। अप्रैल से ये योजना शुरू हुई थी और फिर 3 महीने तक बाद जुलाई में बिजली कंपनी ने साउथ बिहार के 1142 ग्रामीण उपभोक्ताओं को ब्याज के रूप में 2,00,000 रुपए दिए हैं। जल्द शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ दिया जाएगा। दरअसल बिजली कंपनी ने स्मार्ट मीटर में बिजली खपत से 2000 रुपए अधिक बैलेंस रखने वालों को बैंक से अधिक ब्याज देने की योजना शुरू की है। उसमें लगातार 3 महीने, 6 महीने और फिर उससे अधिक समय तक पैसे रखने पर अलग अलग दर ब्याज की राशि मिलती है। राशन कार्ड रखने वालों के लिए बुरी खबर सामने आई है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए ये बुरी खबर हो सकती है। दरअसल बात यह है कि अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नमूल योजना के लाभार्थी हैं तो फिर सावधान हो जाइए क्योंकि विभाग बहुत जल्द ऐसे लाभार्थियों को सूची से बाहर करने वाला है, यानी कि लिस्ट से बाहर करने वाला है जो फर्जी तरीके से योजना का लाभ उठा रहे हैं। जी हां, जबकि वे योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। जी हां, लेकिन फिर भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। खास करके यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पाई गई है, जिसके आधार पर पूर्ति विभाग अपने स्तर से एक बार फिर से लाभार्थियों की पात्रता चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ भी गड़बड़ी पाए जाने पर राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई निश्चित बताई जा रही है। आपको बता दूं कि गांव देहात में बैठे उपभोक्ताओं, दुकानदारों पर जिला मुख्यालय में बैठे अधिकारी सीधे नजर रखेंगे। यही नहीं, समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाएगी क्योंकि उन्हें हर माह अपने क्षेत्र का फीडबैक अपने अपने राज्य के अधिकारियों को देना है। विभाग का कहना है कि योजना में फर्जीवाड़े की बू से सीधा नुकसान जरूरतमंद लोगों पर पड़ता है क्योंकि उनके हक पर अपात्र लोग डाका डाल रहे हैं जिसके चलते उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए अपात्र लोगों के राशन कार्ड को रद्द करने की तैयारी विभाग की है। आपको बता दूं कि देश में लगभग 80 करोड़ उपभोक्ता फ्री राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी योजना में कई तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक करोड़ों ऐसे लाभार्थी फ्री भी राशन ले रहे हैं जो वास्तव में इसके पात्र नहीं है। साथ ही साथ राशन डीलर के खिलाफ भी जम करके घटौली और फिर अन्य शिकायतें मिल रही है जिसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने जिला आपूर्ति विभाग में बैठे अधिकारी हो या फिर दिल्ली में बैठे अधिकारी सभी अब PDS की दुकानों पर कम तौली या फिर घट तौली पर विशेष नजर रखने के लिए कहा है। दोस्तों जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेगी और फिर पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित होगा। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होगा। जहां रविवार को बापू सभागार में आयोजित जन सुराज के राज्य स्तरीय कार्यकाल में इसका प्रस्ताव पारित किया गया है। जहां उन्होंने कहा है कि बारी बारी से सभी वर्गों यानी कि दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा और फिर स्वर्ण को प्रदेश का नेतृत्व सौंपा जाएगा। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार का नेता सभी कार्यकर्ताओं की सहमति से बनाया जाएगा। जहां उन्होंने कहा है कि 2025 में ये राज्य में सरकार बनाएंगे और फिर नए बिहार के निर्माण का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर को 1 करोड़ संस्थापक सदस्य में से 1.5 लाख संगठन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में जन सुराज राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित होगा। दोस्तों चिराग पासवान ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के बड़ा बयान दिया है। आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जी हां, अभी भी चिराग पासवान ये मांग कर रहे हैं जबकि मोदी सरकार की तरफ से यानी कि चिराग पासवान की गठबंधन सरकार की तरफ से बता दिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इसके बदले में विशेष पैकेज दिया गया थोड़ी बहुत जो कि 60,000 करोड़ रुपए का होगा। अब फिर से चिराग पासवान ने कहा कि नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये कहना है चिराग पासवान का। आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के कहा कि
नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर उनकी पार्टी हो, हम लोग बिहार का विकास चाहते हैं। इस बार केंद्र सरकार ने बिहार और फिर बिहारियों की बात सुनी है, लेकिन अभी भी विशेष दर्जे की मांग जारी रहेगी और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी जरूर मिलेगा। दरअसल चिराग पासवान बजट पर चर्चा करने को लेकर अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे थे, जहां पर मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये जो चर्चा चल रही है कि केंद्र सरकार और फिर नीति आयोग द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज किए जाने से बिहार के सीएम नीतीश कुमार नाराज है, तो फिर महज एक अफवाह है। सीएम नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में इस वजह से नहीं आए हैं क्योंकि उनकी तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है। चिराग पासवान ने विशेष राज्य के दर्जे के बजट में बिहार को मिले विशेष दर्जे का जिक्र करते हुए कहा कि फिलहाल बिहार को विशेष चीज की जरूरत है, वह केंद्र की तरफ से दे दिया जा रहा है। जब रही बात विशेष राज्य के दर्जे की, तो फिर ये तो वक्त की जरूरत है, जब इसका समय आएगा तो मांग भी किसी न किसी तरीके से की जाएगी, फिलहाल तो अभी नहीं। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी में स्मार्ट मीटर लोगों की जी का जंजाल बन गया है। आपको बता दूं कि सरकार दावा कर रही है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद यूज के मुताबिक बिल आएगा, जबकि हालात ये हो गए हैं कि यहाँ पर किसानों के बिल 5-5 लाख रुपए तक आने लगे हैं। जब बीते एक महीने में ही आए इस तरह के 2 मामले इस समय सुर्खियों में है, जब पहला मामला पताही प्रखंड के सरैया गोपाल गाँव का था। इसमें दिहाड़ी मजदूर संदीप कुमार राउत को बिजली विभाग ने 2 महीने का बिजली बिल 32 लाख रुपए का भेजा था। वहीं पर अब शहर से सटे गाँव चंद्रहिया में रहने वाले बाला राय को 4 महीने का बिल करीब 5 लाख रुपए दिया गया। उन्होंने कहा कि बिजली का ये बिल देख करके एक बार तो उनके पांव तले से जमीन खिसक गई। बाद में उन्होंने बिजली विभाग के ऑफिस में शिकायत दी और फिर बिल नहीं जमा किए। इसके बाद बिजली विभाग ने बिल में सुधार करने की बजाय उनका कनेक्शन को काट दिया। बिजली विभाग की इस लापरवाही की वजह से बाला राय का परिवार इस चिलचिलाती धूप और फिर उमस भरी गर्मी में बिना पंखे कूलर के समय काटने पर मजबूर हो गए हैं।